यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइज एके टेक्निकल पॉइंट के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। जैसे कि पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने दोस्तों यार यहाँ पर देख लिया था, मैंने ट्रेवर से पूछा, लेस्टर से पूछा और यहाँ पर मार्टिन मद्राजू के बेटे से पूछा, किसी ने कुछ नहीं यहाँ पर जो है नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। मैंने इन तीनों से पूछा है कि बता दो मुझे फ्रैंकलिन कहाँ पर है, क्योंकि मुझे इन तीनों के ऊपर यहाँ पर शक है और मुझे लगता है कि इनमें से ही किसी को यहाँ पर पता है कि दोस्तों फ्रैंकलिन कहाँ है, बट इनमें से बताने के लिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी रेडी नहीं है। तो अफसोस भाई, मुझे यहाँ पर कुछ दूसरे कदम दोस्तों यहाँ पर जो उठाने पड़ रहे हैं, जो कि कदम दोस्तों मैं यहाँ पर कभी उठाना नहीं चाहता था, बट मुझे अब वो भी यहाँ पर जो दोस्तों कदम है उठाने पड़ेंगे। अफसोस, इस बात का मुझे अफसोस रहेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो लेस्टर था उसका कुछ काम यहाँ पर, अगर फ्रैंकलिन ऊपर वाला नगर है किसी गलत तरीके से या फिर कैसे भी इनको यहाँ से जो निकलवा लेता, तो भाई लेस्टर एक मेन मुद्दा था क्योंकि वही पीसी वगैरह हैकिंग करना हर चीज़ दोस्तों जानता है। तो मैंने फ्रैंकलिन के वो वाले हाथ काट दिए, ठीक है। मार्टिन मद्राजो का बेटा और जो लेस्टर है उसको दोस्तों यहाँ से जो है काले पानी वाली जेल जो है यहाँ पर आपको पता होगा सैंडी शॉर्ट्स के पास है, वहाँ भेज दिया गया है। अभी मैं ट्रेवर से पूछ रहा हूँ कि भाई मुझे बता दे, बट ट्रेवर दोस्तों जो है बताने के लिए तैयार नहीं है। अब बता दे ट्रेवर, तेरे लिए अच्छा होगा, बता दे, मैं अभी बोल रहा हूँ, बता दे। ये रो रहा है दोस्तों, ये कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ मत कहो। अब दोस्त यार मैं भी क्या कर सकता हूँ। ट्रेवर अब तुझे रहना तो यहीं पर पड़ेगा, अगर तू नहीं बताएगा मुझे कि फ्रैंकलिन कहाँ पर है तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। और मुझे पता है तू नहीं बताने वाला है दोस्तों, नहीं बताएगा, ये बातों के भूत है, हाथों से नहीं मानेंगे, सॉरी लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। मैं इसको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दूंगा, ऑफिसर खुद ध्यान रखेंगे इसका। मुझे उस फ्रैंकलिन के बच्चे का दोस्तों यहाँ पर खुद ही पता निकालना होगा, बट उससे पहले सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी आर्मी खड़ी करनी होगी, ठीक है ना, अपना मेंशन खड़ा करना होगा। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों अभी फ़िलहाल जो कि मुझे यहाँ पर करनी है, सबसे पहले तो अपनी फैमिली के लिए। अब यार इंडियन माफिया हूँ यार मैं, तो मेरे लिए इतना तो कुछ होगा ही ना, नॉर्मल बंदा थोड़ी ना हो यार दोस्तों, आई एम इंडियन माफिया यार। चलो कल आपने देख लिया था दोस्तों कल वाले एपिसोड में कि मैं फैमिली वगैरह को सबको अपने घर पर जो है ले आया, अब सब दोस्तों खुश हैं, ठीक है, हमारी लाइफ अब बिल्कुल नॉर्मल चलेगी। बट लॉस सैंटोस वासियों की नहीं, बहुत देर तक नहीं, पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होता। चलो ज़्यादातर तो पुलिस के व्हीकल्स में मैं घूम रहा हूँ ना यहाँ पर, ये भी चेंज होंगे। चलो और उससे पहले ये जो वीड डीलर की दुकान थी ना, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वीड डीलिंग वगैरह करता था, इस दुकान को भी ट्रेवर ने यहाँ पर दोस्तों ब्लास्ट कर दिया था। तो फाइनली यार ये दुकान भी अब ठीक हो चुकी है, दिखाऊँ मैं आपको, ये चेक करें, ये मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त की दुकान है दोस्तों, जो कि यहाँ पर वीड वगैरह का बिजनेस चलाता है लॉस सैंटोस और इंडिया के अंदर। अब इंडियन माफिया मैं हूँ तो भाई मेरे अंडर ही यहाँ पर काम कर रहा था, तो वाइज मैंने इसकी दुकान को दोबारा से यहाँ पर रेनोवेट वगैरह करवा के दिया है, क्योंकि ये बंदा बेचारा बहुत ज़्यादा एक तो ख़ास था मेरा, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त है, प्लस बहुत अच्छा यहाँ पर जो है काम करता है। और दोस्तों यहाँ पर ट्रैवल ने ना इसकी पूरी की पूरी दुकान को गाइज यहाँ पर ब्लास्ट कर दिया था, तो भाई यार ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। यहाँ पर ये चेक करो, अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, सब कुछ पहले जैसा, तुम्हारे भाई ने दोस्तों हर चीज़ यहाँ पर जो है ठीक कर दिया, इंडियन माफिया ने। अब सब आप लोग ना मेरा विलन वाला रूप ही देखना, खतरनाक डेंजरस ही रूप दिखेंगे, अब आपको कोई नॉर्मल लाइफ नहीं दिखने वाली है, ठीक है। तो अपना एक बिजनेस यहाँ पर है वीड का, जो कि अब सिक्योर होके यहाँ पर जो चल रहा है, आपको बाग वगैरह भी दिखाऊंगा अपने वीड के, बाग वगैरह कैसे सब कुछ क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये भाई हो चुका है अपना ये वाला काम भी डन, चलो निकलता हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो ये दुकान आपको दिखानी थी भाई, मैंने दुकान भी आपको दिखा दी, अब अपनी मस्त अपनी वीड की शॉप जो है चलाएगा दोस्तों मेरा दोस्त। चलो वो इनके चंगुल से तो खैर बच के निकल ही गया था ट्रेवर और ये फ्रैंकलिन के। अभी मुझे ना
सबसे पहले तो एक जो घर है वो लेना है, और घर मुझे कौन सा लेना है आज मैं आपको दिखाऊंगा, और जिससे मुझे घर लेना है ना उसके साथ मेरी मीटिंग है और मुझे उस मीटिंग में पहुंचना है, ठीक है। और मैं लॉस सैंटोस का कौन सा घर खरीद रहा हूँ पता चलेगा आपको, चलो आ जाओ। बट ऐसे नहीं जाने वाला हूँ मैं, सबसे पहले चलते हैं, रुक जाओ, अरे आराम से चलो। एक आर्मी भी तो है मेरी, तुम्हें आर्मी तो दिखा, आर्मी से तो मैं मिलवाने ही भूल गया मैं तुम्हें अपनी। अच्छा मुझसे पंगा ले रहा था, जानता भी है मैं कौन हूँ। बाइक से हाथ दो बेटा, बेटा तू अब लॉस सैंटोस का वो पुराना वाला जो माहौल था ना वो भूल जाओ तुम लोग, एक नया लॉस सैंटोस है नया। यहाँ की सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, हर कोई मेरी जेब में है, हर कोई मेरी जेब में है यहाँ पे, जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा, जैसा मैं नहीं चाहूँगा वैसा कुछ भी नहीं होगा, समझ गए अब तुम। सबसे पहले मैं तुम अपनी आर्मी दिखा दूँ, कौन सी आर्मी लेकर मैं पहुँचने वाला हूँ उनके पास, चलो चलते हैं दोस्तों। Alright guys, तो फाइनली यार मैं अपने घर से यहाँ पर जो दोस्तों निकल चुका हूँ। एंड गाइज यहाँ पर तुम्हारे भाई की सिक्योरिटी के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हो यार, दो दो बंदे भी हैं बाहर, और भी यहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी मैंने गाड़ी के अंदर दोस्तों बैठा रखी है, प्लस यहाँ पर एक फुली आर्मर्ड व्हीकल है, जो कि अगर यहाँ पर कोई मेरे ऊपर दोस्तों स्टिकी बॉम्ब या फिर किसी भी टाइप का दोस्तों बॉम्ब वगैरह फेंकता ना तो भी दोस्तों ये गाड़ी हर बॉम्ब प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, हर चीज़ से भाई प्रूफ है, समझ रहे हो। गाड़ी चेक करो आप सभी लोग कैसी है। अब फिलहाल जो मुझे दोस्तों यहाँ पर घर चाहिए, लॉस सैंटोस का सबसे ज़्यादा लग्जरी हाउस आपको पता होगा दोस्तों प्लेवा मेंशन है, एंड मेरी इसके मालिक से एक जो है मीटिंग फिक्स हुई है आज, तो उसने मिलने के लिए बुलाया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे ही, और वहीं से उसके जो भाई मीटिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि मुझे घर चाहिए किसी भी हालत में, और मेरे पास पैसे वैसे तो हैं, मैं बताऊँगा मैं उसे कौन से पैसे देकर मुझे घर लेना है, ठीक है ना। चलो फाइनली हम जो है पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और इसी के साथ हम आ चुके हैं प्लेबॉय मेंशन। नाइस, बाहर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सेंसर्स वाले जो है दरवाजे वगैरह लगवाए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों प्लेबॉय मेंशन ही लॉस सैंटोस का सबसे ज़्यादा लग्जरी हाउस है ये, शायद से प्लेबॉय मेंशन वालों की दोस्तों यहाँ पर जो कार है वो है। Alright, easily निकल गए अपनी गाड़ी दोस्तों यहाँ से। मैंने मिलने के लिए तो दोस्तों यहीं पर बुलाया गया, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मेरे जो गार्ड्स हैं वो पीछे ही आ रहे हैं। नाइस, और अगर ये वाला घर मुझे यहाँ पर मिल जाता ना तो भाई लॉस सैंटोस से के अंदर इससे बड़ा घर पूरे के पूरे कहीं पर भी दोस्तों नहीं है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट लग्जरी, मोस्ट मतलब ऐसा है कि जो मूवीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हॉलीवुड की यहाँ पर जो शूट की गई है, हॉन्टेड मूवीज़ और कुछ टाइप की जैसे लग्जरी लाइफस्टाइल वाली मूवीज़, कुछ इस टाइप की मूवीज़ है ना, वो भी दोस्तों यार यहाँ पर जो है शो होती हैं, समझ रहे हो, वो भी यहाँ पर शूटिंग वगैरह की जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इस घर से दोस्तों यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, रेंट पर ये वाला घर दिया जाता है, और यहाँ पर वेडिंग वगैरह दोस्तों यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है ना दोस्तों, उसने अपने बेटे की शादी यहाँ पर करवाई थी। अब तुम ये सोच लो कितना ज़्यादा लग्जरी हो सकता है। तो एक बार ही जरा इसका मालिक आ जाए, उससे बातचीत करते हैं, देखते हैं दोस्तों घर वो देता है या फिर नहीं देता, यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं। क्यों गाइज, गाइज तो यार फाइनली यहाँ पर मेरी जो है जो मकान का बेसिकली ओनर है उससे मेरी बातचीत यहाँ पर दोस्तों हो चुकी है। अब ये यहाँ पर अपने इस घर के 3,000 मिलियन डॉलर्स दोस्तों जो है डिमांड किए इसने, और इसने कहा है कि मैं उससे एक रुपया भी यहाँ पर जो है कम नहीं लूँगा। भाई बात सही है बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और इससे बड़ी प्रॉपर्टी पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में दोस्तों कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में इससे ज़्यादा बड़ी, इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा लग्जरी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बट यार ऐसे नहीं चलेगा सर, ऐसे नहीं चलेगा, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए आपकी और मुझे लेनी है, ठीक है ना। एटीट्यूड देख रहे हो बंदे में कितना ज़्यादा है, कह रहा है एक रुपया भी कम नहीं करूँगा। नाइस, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओ अपना, ठीक है। चलो वैसे घर में कौन कौन है तुम्हारे, ठीक है। और बेटा पता तुम किससे बात कर रहे हो, इंडियन माफिया से, और मैं किसी चीज़ के पैसे नहीं दिया करता।
तेरी ऐसी की तैसी, मुझसे पैसे मांग रहा था। हट तेरी ऐसी की तैसी। मुझे पता था यार मुझे कैसे डील यहाँ पर करनी है, तो भाई नहीं ली दोस्तों, तुम्हारे भाई ने घर परचेज कर लिया है। हाँ पैसे दे कर नहीं किया, चलो किसी भी तरीके से तो किया है ना। ये अकेला एक वारिस था इस घर का और ये ख़त्म हो चुका है अब, जो कि ऑब्जेक्शन कर सकता था क्योंकि सरकार अपनी है दोस्तों, हर चीज़ अपनी है यार, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। ये बंदे को बंदा ख़त्म फिनिश। तो अपनी फैमिली दोस्तों अब इस वाले घर में यहाँ पर जो है रह लेगी, अब हम यहाँ पर जो है रहेंगे, ठीक है। तो फाइनली घर भी अब हमने ले लिया, चलो निकलते हैं यार यहाँ से, और भी थोड़े से काम है वो कंप्लीट करते हैं। इसकी बॉडी को जो है ठिकाने लगवा दूंगा मैं, एक आधा पुलिस का गार्ड भेज दूंगा और वो ठिकाने लगा देगा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है यार। चलो यार जल्दी से गार्ड, जल्दी बैठो यार, ये एक रोबोटिक गार्ड्स वगैरह जो हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। बैठ जाओ चलो जल्दी से यार, इधर का दरवाज़ा खुला हुआ है। चलो दोस्तों फाइनली घर भी ले लिया, वैसे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है दोस्तों लॉस सैंटोस के अंदर। आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइए दोस्तों आपको ये वाली जगह जो है कैसी लगी है। वैसे बहुत अच्छी है दोस्तों, और मेरी इस मकान के मालिक से जब ये बात हुई ना, पहले बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बोल रहा था, हाँ इतने की है इतने की, तेरी ऐसी तैसी। अब यहाँ पर है दोस्तों इंडियन माफिया की है। चलिए, और यहाँ पर पीछे ही दोस्तों जिमी का स्कूल भी है, तो अच्छा है थोड़ा। यहाँ पर जो जिमी का स्कूल भी है यहाँ पर एकदम यहाँ पर आ जाया करेगा, ये वो है, ठीक है ना। अब यहाँ पर है दोस्तों होटल रिच मैन, ये वाला होटल रिच मैन है और इसका एक मालिक है, ठीक है। ज़रा उससे भी मुझे मीटिंग करनी है, क्योंकि मैं उसको बोलूँगा कि मुझे तेरा होटल परचेज़ करना है, उससे बातचीत करके देखते हैं। ये होटल लॉस सैंटोस का सबसे ज़्यादा लग्जरी, सबसे ज़्यादा बड़ा होटल है, इससे बड़ा होटल पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में आपको कहीं भी देखने के लिए मिलेगा। और वो मीटिंग के लिए ना अक्सर कर पीछे मिलता, तो पीछे चलता हूँ यार मैं। चलो बट शायद हमारे यहाँ ये गाड़ी नहीं जा पाएगी पीछे, तो चलो हमें उतर कर ही चलना पड़ेगा। गाइज आओ, आ जाओ सबके सब जल्दी से। तो दोस्तों चलते हैं और मीटिंग करनी है खैर, और देखते हैं यार ये वाला होटल हमें यहाँ पर कितने पैसे में दोस्तों यहाँ पर जो है बंदा छोड़ देगा। ज़्यादा पैसे लेता है फिर दोस्तों कम में ही यहाँ पर जो है अपना काम हो जाएगा, वो तो गाइज अभी यहाँ पर जो है पता चल ही जाएगा। बट जहाँ तक मेरा कहना है, कम से कम उस घर से ज़्यादा ही होगा, कम से कम 50,000 जी हाँ 50,000 मिलियन डॉलर्स का ये जो पूरा का पूरा होटल है, एक बहुत ज़्यादा पॉश लग्जरी 7-स्टार होटल है दोस्तों ये। और जो उसका मालिक भी है ना, वो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ ही यहाँ पर जो है लैस रहता है, वो तो चलो बातचीत तो हो ही जाएगी। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ यार उसके लिए, मुझे यहाँ पर किसी चीज़ की खुद ज़रूरत नहीं। आ जाओ, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है दोस्तों, पूरा का पूरा पूल है, बहुत बढ़िया बना रखा है अंदर से, पूरा लग्जरी है पूरा का पूरा। ये चेक करें आप, कितना बड़ा पूल है, ये है वो है, नाइस बनाए दोस्तों, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो उसने मैंने उसको बाहर मिलने के लिए बुलाया और वो अक्सर कर यहीं पर जो है मीटिंग वगैरह करता है। पिछली बार भी उसने एक बार यहीं पर की थी, एक मेरे कुछ दोस्त वगैरह आए थे, मेरे गार्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक है एक बार इन्हें आने देते हैं। और ज़रा मैं उसको ना ज़रा कॉल करता हूँ कि मैं पीछे खड़ा हूँ, फटाफट जल्दी आ, मुझे होटल की डील करनी है जल्द। राइट गाइस, तो फाइनली यार दोस्तों मेरी ना इस बंदे से पूरी की पूरी दोस्तों यहाँ पर बातचीत हो चुकी है। बंदा यहाँ पर दोस्तों 70,000 मिलियन डॉलर्स की जो है डिमांड कर रहा है, क्योंकि 50 की जो है रियल वैल्यू है दोस्तों इसकी, और 70 मांग रहा है, कह रहा है इस टाइम डिमांड में। एंड गाइस ये 3 पार्टनर्स हैं, बीच वाला जो मेनली 50 का है, 10-10 के दोनों हैं। ओके, तो 3 पार्टनर्स का ये रिच मैन होटल है, और मैं पहली बार मतलब इन्होंने ना इसलिए बुलाया, ये 2 पार्टनर्स मिलते हैं यहाँ पर, ये 2 सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं, ठीक है ना। और ये जो बीच वाला है ना दोस्तों, ये दुबई में रहता है, तो इसके वहाँ पर भी बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं और यहाँ पर भी है, ठीक है। और ये 2 भाई हैं फिलहाल, इन 3 का है ये वाला होटल, इनके अलावा और दोस्तों यहाँ पर किसी का नहीं है। और जो टांग वगैरह भाई यही अड़ा सकते हैं, ठीक है, मेरी पूरी की पूरी डील हो चुकी है इनसे। और पता है ना क्या करना है इसके साथ, इनके साथ भी ये होटल भाई पूरा का पूरा बस अपना होने वाला है, और बस खरीद डाले, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा होता है कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए यार लोगों के साथ, बट यार मैं क्या करूँ, मैं अभी अपनी आदत से मजबूर हूँ। चल ओके, तो फाइनली इतने मुझसे बात कर रहे थे, इतने में होटल भी मेरा हो गया। इन्होंने बेचारों ने क्या सोचा था, डील करने आएंगे और डील करते यहाँ पर क्या होगा बेचारों ने जिंदगी में Reloading! ये चीज़ नहीं सोची होगी। चलो ख़त्म,
निकल यहाँ से, तू भी चल खत्म। तू भी बेटे, बेचारे दो जुड़वा भाई थे, इनकी किस्मत में मेरे हाथों से यहाँ पर मरना लिखा हुआ था। तो चलो कोई बात नहीं यार, मैंने आज इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। एंड फाइनली यार ये होटल रिचमैन आज हमारा हुआ। ये भी इंडियन माफिया का है दोस्तों, हर चीज़ इंडियन माफिया की है। लॉस सैंटोस में जो बड़ी है, तीनों की तीनों पार्टनर्स मर चुके हैं। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, आ जाओ। होटल रिचमैन भी हमारा है दोस्तों, और यहाँ पर जो प्लेबॉय मेंशन है दोस्तों वो भी यहाँ पर हमारा है। और जितने भी मतलब लॉस सैंटोस के अंदर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ मैं अपने नाम कराने वाला हूँ। हाँ बट मुझे ये पता था कि ये जो हैं थोड़ा इल्यूमिनाटी के जो होता है ना एक तरीके की सोसाइटी से, उससे यहाँ पर ही ज़्यादातर लोग जो है बिलोंग करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी बॉडी के ऊपर साइन वगैरह हर चीज़ दोस्तों यहाँ पर जो मिल ही जाते हैं। चलो खैर कोई नहीं, अभी एक लोकेशन पर और भी जाना है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम यहाँ पर कर रखी है, और मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उनके नाम हो। ठीक है, ये तो होटल अब अपना ही है, सबको पता चल गया होगा बहुत अच्छे से। होटल रिचमैन भी मेरा है। चलो दोस्तों बैठो, आ जल्दी आओ एकदम। तो यार जो गार्ड्स वगैरह है ना, पता नहीं यार किधर है। आ जाओ यार, अपने पास वैसे भी वक्त नहीं है। तो दोस्तों गार्ड्स आ रहे हैं भागे हुए। अभी ना मार्टिन मद्राजो का जो घर है वो पीछे का इलाका बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, मार्टिन मद्राजो का घर भी बहुत बड़ा है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई उसके घर के अंदर जो कि मुझे चाहिए। वहाँ पर कुछ बंदे वगैरह उन्हें पेलना पड़ेगा। मार्टिन मद्राजो तो खैले ही पहले ही मरने वाला है, वो यहाँ पर है नहीं। अफसोस, उसकी अच्छी किस्मत है, बंदों को मार मुर के घर अपने हिसाब करवाते हैं। जब वो आएगा तब उसे भी देख लेंगे। अरे यार ये तो खर्चा मुझे करना पड़ेगा अब, क्योंकि दोस्तों अब तो ये मेरा होटल है। ओके नाइस, किसने सोचा था कि जो होटल रिचमैन है वो इतनी जल्दी अपना हो जाएगा, और यहाँ पर प्लेबॉय मेंशन अपना हो जाएगा। अगर ये सरकार भाई मेरी जेब में ना होती ना, तो भाई यहाँ पर कुछ भी ना हो। ठीक है, सबसे पहले भाई जो लॉ है उसको अपने कब्जे में करना होता है, उसके बाद हम जो दूसरे काम है दोस्तों वो निपटा सकते हैं। कोई नहीं, फ्रैंकलिन को तो यार मुझसे कोई भी यहाँ पर जो है नहीं बचा सकता। वो तो जहाँ पर भी मुझे मिलेगा उसके तो भाई खड़े खड़े जो है गोली लगेगी, जहाँ पर भी वो मिलेगा उसे मैं बिल्कुल भी यहाँ पर बख्शने वाला नहीं हूँ। पर अभी बारी है मार्टिन मद्राजो की। पुलिस मेरे किसी भी मामले में यहाँ पर नहीं आने वाली है। कोई बीच में आ जाए, किसी को ये गाड़ी किसी को कुछ नहीं समझती है। कोई भी गाड़ी वाला हो, कोई भी कुछ हो, जो भी सामने आएगा अपनी मौत को दावत देने आ रहे हो। चलिए ना, इस समय में जल्दी से पहुँचना है दोस्तों मार्टिन मद्राजो के घर। यहाँ पर भी ऊपर कोई है क्या? साइड हो ना, ये छोटी मोटी सी गाड़ी लेकर चल रहे हो तुम रोड के बीच में। नाइस, इधर से चलना है। और ये व्हाइट हाउस जो है ना भाई, व्हाइट हाउस के ऊपर भी जो मैं कब्जा करने, सॉरी, जल्दी आओ यार। वैसे अपने पास टाइम नहीं यार ये बंदे के ऊपर भाई साहब, इसका भी बेचारे का खून निकल गया। अभी सोच रहा होगा कैसा यार ये मालिक है, इसकी वजह से मेरे ऊपर भी यहाँ पर खून वगैरह लग गया। कोई बात नहीं यार, होता रहता है। चलो अब चलते हैं दोस्तों, चलो जल्दी से। गन्स वगैरह था इसे हाथ में रखते हैं, जैसे बिल्कुल पेली देंगे। चलिए दोस्तों यार हम जो है पहुँच गए मार्टिन मद्राजो के घर, एंड अब ये घर भी अपना होने वाला है पूरा का पूरा। आ जाओ, वैसे AK-47 रखता हूँ इनके लिए। तो यार आ जाओ। हाँ हाँ कर ब्रेक। नाइस, चलो और कौन कौन है? आ जा जल्दी आ, और भी है क्या कोई? You know what? You're one nasty fuck. I'm out. तुम लोगों के अलावा भी और कोई है क्या? यार मार्टिन मद्राजो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेकर करता भी क्या है यार दोस्तों? फाइनली ये भी अपना है।
क्योंकि उसका बेटा तो भाई जेल में है अब, और ये घर भी वैसे भी कौन रखता है यार इस घर को, किसी ना किसी को तो दोस्तों रखना ही था ना यहाँ पर ये वाला घर भी। तो भाई ये वाला घर भी अब अपना है यार दोस्तों, ठीक है ना, नाइस। ये यहाँ का एरिया देखो कितने स्क्वायर फीट में दोस्तों फैला हुआ है। रुक जाओ मैं आपको ड्रोन से कहता हूँ, 3, 2, 1 ये देखो, ये यहाँ से लेकर जहाँ तक बाउंड्रीज है ना, पूरा का पूरा इसका ही है। और ये जान पूछ कर इसने ये वाला इलाका ना ऐसे ही छोड़ा हुआ है, ठीक है, वरना बना तो इधर भी सकता था, फिर ने छोड़ा हुआ है, समझ गए। ये देखो इसके काम करने वाले हैं, ये सब मार्टिन मद्राजो का है दोस्तों, हर चीज़ मार्टिन मद्राजो की है यहाँ पर, ये चेक करें आप। तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी दोस्तों ये भी, ये बेसिकली प्लेबॉय मैंशन से भी बड़ी जगह है और बड़ी दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो यार यहाँ पर मार्टिन मद्राजो ने जो है मतलब कब्ज़ा वगैरह किया हुआ था, और ये सोचता था कि मैं हर चीज़ यहाँ पर जो है दोस्तों करवट लूँगा, ठीक है ना। तो फिलहाल से मेरे हिसाब से दोस्तों लॉस सैंटोस के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, और जितने भी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, मैंने दोस्तों हर चीज़ यहाँ पर जो है जब्त वगैरह कर ली है। तो अब दोस्तों यहाँ का पूरा लॉस सैंटोस मेरा है, क्योंकि भाई लॉस सैंटोस का किंग दोस्तों यहाँ पर मैं ही हूँ, और मेरे होते हुए दोस्तों लॉस सैंटोस में यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो सकता। आपका इस बारे में क्या कहना है एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए, ठीक है। और प्ले बाय मेंशन में हम बहुत जल्दी यहाँ पर जो है शिफ्ट होने वाले हैं, और बहुत हाई सिक्योरिटी होने वाली है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और अपना पूरा ख़तरनाक बेस दोस्तों यहाँ पर जो है बनने वाला है, ठीक है, वो हर जगह इंडियन माफिया का ही नाम होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है एक बार कमेंट करके बताओ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अगर चैनल पर नया है तो भाई सब्सक्राइब के वगैरह मत जाना, और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दो, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।